तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कितना कमाता हूं, मतलब करोड़पति नहीं हूं, मैं अपने पानीपुरी के ठेले से कितना कमा लेता हूं पर डे और कितने खर्च आता है, कितनी लागत आती है, पूरी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि भाई आप लोगों के क्वेश्चन थे कि आप लोग कितना मार्जिन है, कितना बचा लेते हो, कितना कमा लेते हो, तो इस सब वीडियो में कवर करने वाला हूँ और कौन से सामान क्या रेट का है ये भी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी मैं दुकान लेके जा रहा हूँ अपनी, शाम को मिलते हैं, कितनी बिक्री होती है और बीच बीच में भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाते रहूँगा कि कितनी देर में मैंने कितने की बिक्री कर ली, एक घंटे में मैं कितने बेच लेता हूँ, ये सब इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलो चलते हैं दुकान लेके ताकि बेच सकूँ और आपको बता सकूँ। तो देखिए अराउंड अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के और मैंने अपनी दुकान सेट कर ली है, मतलब बोने भी कर चुका हूँ। तो चलिए 700 रुपये के पानीपुरी मान लेते हैं और 12 से 15 किलो आलू लगाते हैं मेरे, 12 रुपये किलो, 13 रुपये किलो मिल जाते हैं और 120 रुपये का तेल मान लीजिए, आप लोग पूरा काउंट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और मीठी चटनी मान लो 100 से 150 रुपये की लग जाती है और ये नमक मिर्ची मसाला मान लो 40 रुपये का हो गया, ठीक है, सब कुछ मिला के 40 रुपये की एक किलो। टमाटर हो गए, मटर हो गया मान लो 80 रुपये किलो आता है ना, तो ये मेरे पे 2 किलो मटर लग जाता है मान लो 160 रुपये का और 100 रुपये का पानीपुरी का पानी मान लो, मतलब ओवरऑल 900 से 800 रुपये लग जाते हैं। और अब देखिए शाम के 4 बज चुके हैं और सारा कुछ ख़त्म होने के कगार पे है, ये देखिए मतलब चाट भी ख़त्म हो ही गई है और बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई आज, क्योंकि मार्केट ना 3 दिन बंद था, फ्राइडे को भी बंद था, सैटरडे को भी और संडे को भी, तो आज खुला है मंडे को, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो 4 बजे तक सारा कुछ ख़त्म हो गया समझ लो। तो आज बहुत दिनों के बाद 4 बजे के आसपास सामान खत्म हो गया। काची ये खट्टा पानी लीजिए, खाली पानी बचा हुआ है तो खाली पानी पिला रहा हूँ, और ले लीजिए। अरे लीजिए ना भाई, 4 बज गए हैं और सारा सामान खत्म हो गया है। अब मैं घर चलता हूँ, यहाँ पूरी साफ सफाई करनी पड़ेगी अभी देखो, और फिर मैं घर जाके बात करता हूँ कि क्या मार्जिन होता है और कितने की सेल होती है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ मच आई कैन अर्न, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया और कितने की बिक्री की ये भी मैं आपको बताऊंगा, कितना मार्जिन होता है ये भी आपको बताऊंगा, और पानीपुरी की बिज़नेस स्टार्ट करने में कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, जाके उसको देख लीजिएगा तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया हो जाने वाला है। देखो मैंने अराउंड 2200 रुपये की बिक्री की थी कल, अराउंड 2200 रुपये की समझ लो, और क्या लागत लगी थी वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें एक एक स्टेप करके बता चुका हूँ। ये समझ लो कि 900 रुपये या 1000 रुपये की लागत लग जाती है एक पानीपुरी का ठेला अच्छी तरीके से लगाने में, लेकिन डिपेंड ये करता है कि सामान कितना महंगा है। अभी सबसे ज़्यादा महंगा तो ऑयल चल रहा है, सबसे ज़्यादा महंगा, और आलू तो 12 रुपये या 13 रुपये किलो के आसपास मिल जाते हैं, मटर भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, 85 से 90 रुपये किलो के आसपास मटर हो गया है, तो भाई कभी मतलब इधर उधर होते रहता है, कभी कमाई कम कमाई ज़्यादा। अब आपको ऑन एन एवरेज बताऊं तो 40% आप लोग कमा सकते हो पूरा बेचने पे, लेकिन अगर आप 1000 रुपये की लागत लगाते हैं और 1000 रुपये के ही बेचोगे तो कुछ नहीं कमा पाओगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं लोग कि पानीपुरी का ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ और भी ऐड कर देते हैं, जैसे समोसा भजिया वगैरह कुछ भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, आप लेकिन वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा, मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में मैंने दे रखा है, तो इस दोनों वीडियो को देख के आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा मिल जाएगा। मैंने एवरेज बता दिया 40% के आसपास आप लोग कमा सकते हो, देखो। और मैंने मतलब 12 बजे गया था और 4 बजे के आसपास ख़त्म हो गई थी, मतलब एक एवरेज बोल सकते हो 500 रुपये प्रति घंटा बिक्री होती है, एक घंटे में 500 रुपये की बेच लेता हूँ, और लेकिन कंटिन्यू भीड़ होगी तो, वरना 5-6 भी बच जाते हैं कभी कभार। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। चलिए मैं मिलता है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।